हरियाणा की सियासी हलचल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव के नतीजे के बाद सियासी मतदान किया हुआ है, राज्यपाल बड़े सवाल उठा रहे हैं, पार्टी से बनाकर चुनाव लड़ा है उन्होंने, और जिस तरीके से बयान आया कि उनसे कोई नाता नहीं है सुभाष बराला का, उसके बाद राज्यपाल ने कहा है कि वो पार्टी तय नहीं करेगी क्योंकि उनको जनता ने चुना है, तो क्या रुख क्या है, स्टेटस क्या है? देखिए, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कभी बोलने का हम नहीं, लेकिन सैनी साहब ये बताएंगे कि उनको सांसद जनता ने चुना है, लेकिन किसके नाम पर चुना है? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोगों ने उनको वोट दिया। उन्होंने व्यक्तिगत राज्यपाल सैनी को वहां के लोगों ने वोट नहीं दिया, लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, राजकुमार सैनी को वोट दिया। लेकिन जिस तरीके से वो सांसद बने हुए हैं, बीजेपी किसी नेता ने चुनौती नहीं दी है उनको, डिस्क्वालीफाई करने को लेकर कोई अपील दायर नहीं की? देखिए, पार्टी आलाकमान के संज्ञान में सारी चीजें हैं और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। अब उचित समय कब आएगा, क्योंकि तो चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव की चुनौती है, दूसरी तरफ जिनके उपचुनाव में ये साफ हो गया है कि उनको बड़े वर्ग का समर्थन है और ये बीजेपी के खिलाफ क्या, इसलिए बीजेपी को कहना पड़ रहा है कि वो उनके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, बाकी हरियाणा के लोगों का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, मनोहर जी के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। और प्रधानमंत्री जाने वाले हैं कुरुक्षेत्र में 12 तारीख को, उससे पहले ये सियासी घमासान क्या मायने रखता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हरियाणा से हमेशा लगाव रहा है, वो जो संगठन में महामंत्री थे तब भी हरियाणा के वो प्रभारी थे और हरियाणा के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ हैं, हर कार्यकर्ता से वो वाकिफ हैं, इसलिए समय समय पर हरियाणा के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आते रहते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और कृष्णपाल गुर्जर राजकुमार सैनी को लेकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी उचित समय पर उचित फैसला करेगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।